गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आइए बुक की पेज नंबर 123 में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,500 फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको डिफरेंस फाइंड करना है, किसके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट के बीच का एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का। कब फाइंड करना है, तब जब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया होगा इतने रुपीज़ में 3 ईयर्स के लिए एंड इतने परसेंट में, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया गया होगा जब इतने रुपीज़ के ऊपर 3 ईयर्स के लिए इतने परसेंट में, ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली दिया है, ठीक है। मतलब पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल ये लेंगे, टाइम ये लेंगे और ये रेट ये लेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, उसमें भी प्रिंसिपल ये लेंगे, टाइम ये लेंगे और रेट ये लेंगे, और फिर दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल कितना है रुपीज 12,500, ठीक है। टाइम यानी एन इज इक्वल टू कितना दिया है 3 ईयर्स, और रेट कितना दिया है, रेट दिया है आपका 12% पर एनम। प्रिंसिपल दिया है रुपीज 12,500, टाइम दिया 3 ईयर्स, रेट दिया 12% पर एनम। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। P की जगह क्या पुट करेंगे 12,500, आर की जगह क्या पुट करेंगे 12, टाइम की जगह पुट करेंगे 3, डिवाइड बाय 100, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 125 इंटू 12 इंटू 3, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125 इंटू 12, 36, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रुपीस 4,500। ये ऐसा ही आ गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन। प्रिंसिपल की जगह ये पुट करेंगे, 1 प्लस आर की जगह क्या पुट करेंगे 12, और एन की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है। 100 इसके अपॉन कुछ नहीं, यानी 1 है 100 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, और 100 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 से तो 100 आएगा, ठीक। यहाँ 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ठीक। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 112 अपॉन 100 की होल पावर 3 है, ठीक है। इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग का मतलब है पावर 3 है, तो उसको ऐसे करके लिख लेंगे 112 अपॉन 100, 3 टाइम्स 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा ऊपर 125 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 अपॉन में 100 इंटू 100 यानी 10,000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 10,000, ठीक है, और अपॉन में 10,000, कितना 10,000। देखिए 000 से 000 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा अपॉन 10। अब 1 डिजिट के पहले 10 को रिमूव करना है तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे तो 10 रिमूव हो जाएगा, तो 1 इतना आपका अमाउंट आ गया। कितना आ गया अमाउंट 17,561.6, ठीक। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 17,561.6, माइनस करेंगे हम 12,500, तो सीआई आ जाएगा इसमें से, इसको माइनस करेंगे
तो सी आई आ जाएगा 5061.6 रुपीस। ठीक, अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस किसके बीच का, एस आई एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का। फॉर्मूला क्या होता है, सी आई माइनस एस आई, क्योंकि सी आई ज़्यादा है एस आई का, हम तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो 5061.6 में माइनस करेंगे एस आई कितना आया था 4500, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा रुपीज़ 561.6 रुपीज़, और यही आपका आंसर है और यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से देख लेंगे। प्रिंसिपल दिया है, एन दिया है, टाइम रेट दिया है, पहले हमने एस आई फाइन किया एस आई का फॉर्मूला लगा के, फिर अमाउंट फाइन किया अमाउंट का फॉर्मूला लगा के, फिर सी आई फाइन किया, उसके बाद डिफरेंस फाइन किया दोनों के बीच का, तो आगे रुपीज़ 561.6 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 4% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है और रेट दिया है, हमें दो बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंडेड करना है हाफ ईयरली, उसके बाद सेकेंड टाइम करना है कंपाउंडेड क्वार्टरली, और जो भी वैल्यूज आएंगे दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले एक बार हम फाइन करेंगे अमाउंट, फिर सी आई फाइन करेंगे हाफ ईयरली के लिए, फिर फाइन करेंगे अमाउंट और सी आई फाइन करेंगे क्वार्टरली के लिए, और फिर दोनों के बीच का डिफरेंस फाइन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा, मीन्स देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में जो भी मतलब एप्लीकेबल होते हैं मेथड कंडीशंस वो अप्लाई करेंगे, और पहला कंपाउंड इंटरेस्ट फाइन करेंगे, फिर दूसरा फाइन करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में आ जाइए, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है रुपीस, पहले आप यहाँ मेंशन करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या लिखेंगे कंपाउंडेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ हम कंपाउंड कर रहे हैं हाफ मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ ईयरली में। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया रुपीस 6000, एन दिया आपका 1.5 ईयर्स, तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3/2 ईयर्स, लेकिन हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.5 ईयर्स। ठीक है, फिर रेट कितना दिया है 4% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली है तो रेट 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 तो आ जाएगा 2% हाफ ईयरली। ठीक है, अब हम अमाउंट फाइंड करेंगे, देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 / n। ठीक है, पी की जगह क्या पुट करेंगे हम 6000, 1 + R की जगह क्या पुट करेंगे 2/100, और टाइम की जगह क्या पुट करेंगे 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने यहीं पे कैंसिल कर दे रहे हैं 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 0 = 0, तो कितना आ गया 1/50 बचेगा यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे A इज इक्वल टू 6000 1 + 1/50 / 3। ठीक है, अब देखिए अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें 50 ही मिलेगा। ठीक है, फिर 50 को 50 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा, फिर 50 को यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो 50 मिलेगा, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, होल पावर 3, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 51/50 / 3। अब इसे हम पावर हटा के अलग अलग लिख लेंगे, 51/50 मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचेगा, अमाउंट इज इक्वल टू 6 × 51 × 51 × 51 / 5 = 25 25 × 5 = 125। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा 125 से डिवाइड करेंगे, तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है इतना आएगा, ठीक है 795,906 आएगा अपॉन में 125।
फिर से डिवाइड करेंगे 125 से, तो आ जाएगा रुपीज़ 6367.248। ये अमाउंट आ गया। अब हम CI फाइन करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के फॉर्म से, तो 6367.248 में माइनस करेंगे हम 6000। ठीक, तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 367.248। ये आपका CI आ गया जब हम कंपाउंड का हाफ ईयरली का। ठीक, अब हम निकालेंगे क्वार्टरली का। ठीक है, लिखेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल लिखेंगे कितना रुपीज़ 6000 एंड कितना होगा 1.5 ईयर्स था, मीन्स 3/2। क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो 3 2 6 हाफ ईयर्स आएंगे, एन इज इक्वल टू आ गया 6 हाफ ईयर्स। रेट कितना था 4%, इसको 4 क्वार्टरली में 4 को 4 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 1%, तो लिखेंगे 1%। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P1+R/100 की होल पावर n। P की जगह कितना पुट करेंगे 6000, 1 की जगह 1, R की जगह भी 1 और 100 की जगह 100, n की जगह 6, 6 हाफ ईयर्स आए पीछे। ठीक है, फिर से वही सेम प्रोसेस हम करेंगे, LCM लेंगे, 100 आएगा, जब यहाँ 1 दिया है तो 1 यहाँ 1 होगा अपॉन में, तो 100 को 1 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक, अब दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 101/100 की होल पावर 6। इसे अब मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, मींस अलग अलग पावर को हटा देते हैं, 101/100 एक बार, 2 times, 3 times, कितनी बार लिखेंगे 6 times, 4 times, 5 times। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिख लिया। डबल जीरो से देखिए, डबल जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 6, अब देखिए यहाँ बचेगा 101। अब देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 1 digit के पहले डेसिमल लगा लेंगे तो आ जाएगा 10.1, इसमें 2 digit के पहले डेसिमल लगाएंगे तो 1.01, इसमें भी 2 digit के पहले डेसिमल लगाएंगे 1.01। ठीक है, इसमें भी 2 digit के पहले डेसिमल लगाएंगे 1.01 और यहाँ भी आ जाएगा 1.01। तो देखिए कितना आ गया, 6 into 101 into 10.1 into 1.01 1.01 and 1.01, इतना आ गया। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, आएगा 6369.1209। जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6369.1209। अब हम CI फाइन करेंगे, CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया है देखिए, 6369.1209 में माइनस करेंगे हम 6000, तो आ जाएगा रुपीज़ 369.1209। ये CI आ गया। अब दोनों CI के बीच का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक, तो पहले वाला जा रहा था कि ये जा रहा है, पहले वाला जा रहा था बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, तो 367.248 माइनस 369.1209। ध्यान से देखेंगे, 367.248 में हम माइनस करेंगे 369.1209। हमने बड़े में से छोटे को माइनस करना, लेकिन हमने उल्टा लिख दिया, छोटे में से बड़े को लिख दिया, तो पहले हम बड़े को लिखेंगे इसे, तो 369 ग्रेटर होता है, इसे लिखेंगे पहले 369.1209 में माइनस करेंगे हम 367.248। ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो 369.1209 में माइनस करेंगे हम 367.248। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा रुपीज़
1.8729। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा रुपीज़ 1.8729, और यही डिफरेंस है, यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। पहले देखिए, हमने कंपाउंड किया हाफ ईयरली, इंटरेस्ट फाउंड किया हाफ ईयरली के लिए, फिर इंटरेस्ट फाइंड किया हमने क्वार्टरली के लिए, ठीक है। फिर दो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, 369.1209 में माइनस कर दिया, 367.248, तो आगे 1.8729, यही आपका आंसर है, ठीक है।